ओके बेटा, टुडे वी विल स्टार्ट विद अ न्यू एक्सरसाइज दैट इज 15.2 ऑप्शनल एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज इन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज? इट इज रिटन टू कस्टमर जो है श्याम एंड एकता आर विजिटिंग ऑन अ पर्टिकुलर शॉप इन अ सेम वीक. एक सेम वीक में वो उसको विजिट करते हैं बट फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. डेली नहीं जाते, मंडे टू सैटरडे. दैट मीन्स अगर मैं ये देखूं, इधर एकता और दूसरा पर्सन था श्याम. ओके जी, श्याम ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे जा सकते हैं. ऐसे ही एकता ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे जा सकती है. अगर मंडे दैट इज नॉट गिवन, ट्यूसडे से सैटरडे ही वो जा सकते हैं. ओके, तो मेरे पास हो गए. अगर मैं देखूं कि टोटल कौन कौन सी ऑप्शन है, ऐसे हो सकता है कि एकता मंडे ट्यूसडे जाए, शाम भी ट्यूसडे जाए. सेकंड, एकता ट्यूसडे जाए लेकिन शाम वेडनेसडे को जाए. तो दैट मींस ये जहां पर इंटरसेक्शन बन रही है, इतनी सारी मेरे पास ऑप्शंस हैं, है कि नहीं है? वो कितनी ऑप्शंस हैं? 1 2 3 4 5. हाँ जी, 5 5 5 टोटल अगर देखें तो टोटल ऑप्शन, सॉरी, टोटल आउटकम्स जो हैं मेरे पास कितने हैं? 25. अब बेटा, अगर टोटल ऑप्शंस 25 है मेरे पास, तो अब हम पहला केस देखते हैं कि कितनी ऑप्शंस मेरे पास फेवरेबल है. लेट अस सी. हाँ जी बेटा, फर्स्ट उसने कहा है, ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे. किसी भी डे को वो चूज कर सकते हैं, किसी भी डे पे जाने के उनके इक्वली लाइकली ऑप्शंस हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट शॉप ऑन द सेम डे? हमने ये देखना है कि दोनों सेम डे जाएं. दोनों सेम डे का मतलब दोनों या तो ट्यूसडे जा सकते हैं, ये ऑप्शन, या दोनों वेडनेसडे, या दोनों थर्सडे, या दोनों, और या दोनों सैटरडे. देखा जाए तो कितने फेवरेबल केसेस हैं? 5. तो दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है 5 by 25, 1 by 5. अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, उसने मुझे क्या कहा? कंजेक्टिव डेज. अब कंजेक्टिव डेज का मतलब सात सात, मतलब अगर एक ट्यूसडे को जा रहा है तो दूसरा कहाँ जाए? वेनेसडे को. अब सेकंड के देखिए, ट्यूसडे वेनेसडे. हाँ जी, अगर ये वेनेसडे को जा रही है, वेनेसडे, थर्सडे. हाँ जी, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे के बाद अगला नहीं, लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है. ये ट्यूसडे को जाए तो ये वेडनेसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे. कितनी ऑप्शंस होगी? जो है सैटरडे और फ्राइडे. चेक कर लो, फ्राइडे सैटरडे ये नहीं लिखा. कितनी टोटल ऑप्शंस होगी? एट. हुई कि नहीं हुई? तो सेकंड की ऑप्शन का आंसर है 8 by 25. ओके बेटा, क्लियर. थर्ड, अब मेरे पास क्या आ गए? डिफरेंट डेज, हमने सेम डेज का निकाला हुआ. हाँ जी, तो क्या करें? 1 minus 1 by 5, आंसर कितना आ गया? 4 by 5. ओके बेटा, सबको क्लियर हो गया. नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास हुआ है. बिल्कुल ऐसे ही टेबल बना के क्वेश्चन नंबर 2 भी होना है. व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन नंबर 2? लेट अस सी बेटा. फर्स्टली आई विल मेक द टेबल फॉर दैट एंड रीड द क्वेश्चन फॉर यू. हियर इट इज रिटन, अ डाई इज नंबर्ड इन सच ए वे. मेरे पास हो गए अ डाई इन सच ए वे दैट इट्स फेसेस शो नंबर 1 2 3 4 5 6. इट इज थ्रोन टू टाइम्स. जो है
एंड द टोटल स्कोर इन टू थ्रो इज नोटेड। अब उसने कहा कि इस डाई को टू बार थ्रो करना है। हाँ जी बेटा लक्ष्य, अगर टू बार थ्रो करना है तो मैं एक बार इधर ऑप्शन ले लेती हूँ, एक बार 1 2 3 4 5 6। हाँ जी ओके। उन्होंने 1 से लेकर 6 तक नहीं दिए, उन्होंने 1 2 2 3 3 and 6। तो बेटा हम भी लेंगे स्टेटमेंट में यही 3 3 6। चलिए जी अब हम टेबल बना लेते हैं। दे हैव मेंशन दिस बेटा। अब बेटा देखिए, अब उन्होंने कहा कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विच गिव्स अ फ्यू वैल्यू ऑफ द टोटल स्कोर ऑफ टू थ्रोस। सबसे पहले तो कंप्लीट जो है टेबल करने को कहा, सम देखना है। अब सम में यहाँ 1 1 क्या हो जाएगा 2, 1 plus 2 3, 3 4 4 7, हाँ जी 3 4 4 5 5 8, हाँ जी सेम आफ्टर देन 3 वाला 4 5 5 6 6 9, इस पे भी सेम आएगा। हाँ जी नेक्स्ट 6 7 8 8 9 9 12, पहला स्टेप था कि टेबल को कंप्लीट करना। अब बेटा टेबल को मैंने कंप्लीट कर लिया, अब उन्होंने क्या दिया हुआ है यहाँ पर मेरे पास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज इवन। हम क्या करें इनमें से इवन को क्या कर ले, अंडरलाइन कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो क्या बन जाएगा 18 ओवर। हाँ जी कितने केसेस हैं 36, 666 सब में आ रहे हैं, तो 18 by 36 1 by 2 ओके बेटा। ऐसे ही उसने कहा है कि सम इज 6, 6 कहाँ आ रहा है 1 2 3 4 4 by 36। हाँ जी नेक्स्ट उसने कहा एट लीस्ट 6, यानी कम से कम 6 और 6 से ज्यादा। आप देख लो जो जो नंबर 6 से ज्यादा है उनको क्या कर लो काउंट कर लो, ओवर क्या करोगे 36। बात समझ आ गई हरसिमरन, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? विल एटलीस्ट 6, मैं कह रही हूँ मेरे पास कम से कम 1000 रुपीज है, मतलब 1000 भी हो सकते हैं, दैट इज काउंटेड ओके बेटा क्लियर। हाँ जी एट मे मैं एक सेकेंड ध्यान से सुन लीजिए, अगर मैं कहती हूँ एटलीस्ट मेरे पास एटलीस्ट 6, दैट मीन्स 6 जो है साथ में मोर उससे। जब मैं कहती हूं एट मोस्ट 6 भी लेना है लेकिन उससे लेस वाला। सारे बेटा जितनी ऑप्शन है 6 के बाद कम कितना है, 2 भी है 3 भी है 1 है, तो लेंगे ही नहीं। ये तो डिपेंड करता है ना, हेड एंड टेल में 2 बार कॉइन फेंका और मैंने कहा एटलीस्ट एटमोस्ट 1 हेड। अब एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 1 हेड, 0 हेड भी होता है वहां यानी टेल थे, तो वो काउंट करेंगे ना। ये टोटली क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो उससे नीचे वाली जो वैल्यूज आती हैं वो लेनी है, इसीलिए वर्ड मैं ये नहीं कहती हूँ कि 0 वाली लो या 1, डिपेंड्स अपॉन। अब जब यहाँ सम 2 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं सम 2 भी लूंगी 3 भी लूंगी 4 भी लूंगी 5 भी लूंगी 6 भी लूंगी, एटमोस्ट 6 में ठीक है, और एटलीस्ट 6 में मैं 6 लूंगी 7 भी लूंगी 8 भी लूंगी 9
12। ओके जी, क्लियर होगी बात? कॉन्सेप्ट को समझो, वैल्यूज को अपने माइंड में मत रखो, ठीक है? क्लियर? चलिए बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरे पास प्रोबेबिलिटी का क्या है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड में इट इज रिटन बेटा, अ बैग जो है कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। जो है आई एम नॉट हैविंग द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, बट इट इज रिटन 5 रेड बॉल्स, सम आर ब्लू बॉल्स। ओके, नाउ व्हाट इज रिटन हियर? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, हियर इट इज मेंशन्ड, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। नाउ बेटा डिटरमिन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। हाँ जी, मैं मान लेती हूँ लेट ब्लू बॉल एक्स है, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स जो है प्रोबेबिलिटी एक्स जो है फेवरेबल की होगा टोटल 5 प्लस एक्स 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 5 बाय 5 प्लस एक्स, दिस विल कैंसल, एक्स इज इक्वल टू 10, नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज 10। ओके जी, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ बेटा। लेट अस सी व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हां जी बेटा, इन द क्वेश्चन नंबर फोर इट इज मेंशन हियर अ बॉक्स कंटेन 12 मेरे पास हो गए बॉल। मैम नहीं आ रही आपकी आवाज, बिल्कुल भी नहीं आ रही मैम। मैम फिर आवाज नहीं आ रही आपकी। सिक्स बॉल्स और ऐड की गई तो दैट मींस मेरे पास x प्लस 6 और टोटल भी तो चेंज होगा ना, 12 प्लस 6 18, ट्वाइस दैट ऑफ प्रीवियस। ओके नाउ बेटा कटिंग करनी है 6 3 x plus 6 that is 3x or 2x is equal to 6, x is equal to 3. Okay beta, clear? Yeah. Anji, now let us move toward next question beta. That is the last question of this chapter. Question number 5. A jar jo hai, that contains 24 marbles. Here it is written in
इन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ 24 मार्बल्स इन अ जार. ओके जी. नाउ सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू. टू कलर्स के मार्बल्स है, ग्रीन एंड ब्लू. इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन जार ग्रीन मार्बल इज 2/3. और मुझे यहाँ कहा गया है वॉट इज द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार. अब बेटा हम दो मेथड से कर सकते हैं, आप जैसे मर्जी देख लीजिए. इसको एक्स ले लें, आपने ब्लू निकालना है तो आप ब्लू को एक्स ले लो. तो दिस इज 24 माइनस एक्स. ओके. अब ग्रीन की मेरे पास प्रोबेबिलिटी 24 माइनस एक्स ओवर 24, ये किसके इक्वल हो सकता है? 2/3 के. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट योर आंसर. 72 माइनस 3x 48. 3x इज इक्वल टू 72 माइनस 48, तो x इज इक्वल टू 8. ओके बेटा. नाउ मेरे पास हो गए नंबर ऑफ जो बॉल्स आई हैं दैट आर ब्लू बॉल्स, दैट इज गिवन टू मी 8. और अगर उसने ग्रीन पूछी हो तो 24 माइनस 8 कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर. ओके बेटा. यस बिल्कुल, 1 माइनस करके भी कर सकते हैं. अगर प्रोबेबिलिटी ब्लू की 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, 1 माइनस 2/3, हाँ जी 1/3, और ब्लू मुझे नहीं पता है एक्स है, टोटल 24, एक्स की वैल्यू तब भी 80 आएगी, जिस मर्जी मेथड से कर लो. ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट इन द प्रोबेबिलिटी चैप्टर? ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द अदर चैप्टर. टुडे आई जस्ट गिव यू द इंट्रो, बहुत इजी, सिर्फ सुनना है, जस्ट इंट्रो यू हैव टू लिसन बेटा. ओके, हाँ जी, लास्ट चैप्टर ऑफ दिस टर्म. अब ध्यान से सुनिए बेटा, हमारा चैप्टर है ट्रायंगल्स बेसिकली, है ना? चैप्टर जो है नेक्स्ट दैट इज ट्रायंगल. अब ट्रायंगल्स के रिलेटेड हमने जो टॉपिक करना है, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल को डिफाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? अच्छा, एक ट्रायंगल को कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? हाँ जी, शार्प वर्टिसेस. अच्छा, ये भी मैंने एक थ्री साइड फिगर बनाई है, इज इट अ ट्रायंगल? यस, थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर एंड मेड अप ऑफ अ लाइन सेगमेंट. वो तो बेटा उसकी प्रॉपर्टीज है ना, कि मेरे पास जो है क्या होना चाहिए कि उनके इंटीरियर एंगल का सम 180 होना चाहिए, उसके थ्री वर्टेक्स होते हैं, थ्री लाइन सेगमेंट से बनी होती है ये क्लोज फिगर, है ना? दैट आर द प्रॉपर्टी. अच्छा, अब जो मेन हमने ट्रायंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ किया हुआ है लोअर क्लास में, एक हमने ट्रायंगल का 9th क्लास में जो कॉन्ग्रेंसी वर्ड किया था कि टू फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होती है, जब सेम शेप सेम साइड. हम वो कहते थे दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट तब होती हैं जब वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते. ओवरलैप का मतलब मेरे हैंड्स कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए देखिए फिंगर फिंगर पे ओवरलैप, सब कुछ थंब थंब पे ओवरलैप, बिल्कुल जरा सा भी फर्क नहीं होगा. तो मैं कहती हूँ कि मेरे हैंड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि साइज भी सेम शेप भी सेम. लेकिन जब हम बात करते हैं सिमिलैरिटी की, सिमिलैरिटी हमारी लाइफ का
बहुत इंपॉर्टेंट सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स का मतलब है शेप सेम होना बट साइज प्रोपोर्शनेटली बड़ा या छोटा हो। जैसे आपका हैंड और मेरे हैंड में डिफरेंस हो सकता है, मेरा हैंड छोटा हो सकता है, आपका बड़ा हो सकता है, माइट भी किसी गर्ल का हैंड मेरे से छोटा हो बट शेप सेम ही है। हम देन फिंगर्स है फोर मेरे पास, है ना, शेप तो ऐसे ही है ना, प्रोपोर्शनेटली वो इंक्रीज और डिक्रीज। ये क्यों हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात आप कभी देखते हो, अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, कोई भी फोटोग्राफ है ना, आपको छोटी दी जाती है, आप कहीं पे भी जो है ड्राइंग्स में भी देखते हो, आपको ना ये ऐसे लाइंस ड्रॉ करके छोटे होते ऐसे कोई फिगर बनाने को कही जाती थी। हम क्या करते थे, क्यों ऐसा करते थे, हम प्रोपोर्शनेट साइज को इंक्रीज करने के लिए। आप कोई फोटोग्राफ क्लिक करते हो, मोबाइल में छोटी सी आती है, फोटोग्राफ के पास जाते हो, उससे जितना मर्जी एनलार्ज बना लो, इवन वॉलपेपर्स पे हम अपनी फोटोज, पूरी फैमिली की फोटोज लगाते हैं, कैसे, वो पिक्सल तो जो है हमारे पास उतने ही है बट हम क्या करते हैं, पिक्सल की प्रोपोर्शनेट वैल्यू, मतलब अगर फोटो इतनी है, मान लो ये 1 सेंटीमीटर का मैंने ड्रॉ कर दिया, लेकिन वॉलपेपर पे बनाना है तो मैं 1 मीटर का बॉक्स ड्रॉ कर लूंगी। ये वॉल है ना पूरी, तो मैं 1 मीटर मान लो इतना है, एक बॉक्स मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है ना, यहाँ ऊपर से लेकर यहां तक, ये अगला सेकंड, ये ऊपर 1 मीटर, सेकंड मीटर, ऐसे ही यहां पर 1 2 3 4 है, ठीक है ना। अब जब मैंने वो फोटोग्राफ को क्या करना है, एनलार्ज करना है, मैंने ये देखना है पहले बॉक्स को छोड़ के फर्स्ट सेकंड, सेकंड में कर्व है, तो यहां पर भी जो सेकंड में होगी ना, मैं कर्व ऐसी ऐसी ड्रॉ कर लू, लार्ज होगी, प्रोपोर्शनेट लार्ज होगी बिल्कुल। मतलब अगर ये 1 1 का है, मान लो मैं 10 सेंटीमीटर का बॉक्स ले लू। इसीलिए आपको लोअर क्लासेस में जो ड्रॉइंग सिखाई जाती थी ना, हम बच्चों को कहते थे जिस फिगर से आपने देखना है ना, वहां पर पहले बॉक्सेस बना लो फिर कॉपी करो, तो वो क्या बनता है, प्रोपोर्शन। अब ताजमहल इतना बड़ा है, हम फोटोग्राफ देखते हैं एग्जैक्टली वैसे ही नजर आती है, वो क्या करते हैं, प्रोपोर्शनेट हम बनाते हैं। ताजमहल इतना बड़ा, फोटोग्राफ इतनी या इतनी या इतनी, जितनी मर्जी बनाते हैं ना, तो प्रोपोर्शनेट। ये नहीं होगा कि वहां पर कोई टॉम जो है वो इतना बड़ा है, मान लीजिए, ठीक है ना, ऊपर, और आप टॉम छोटा सा बना दो, लेंथ इतनी इंक्रीज कर दो, नहीं ना, प्रोपोर्शनेट। अब आपको अगर जो बच्चा ड्राइंग करता है, हम उनको क्या कहते हैं कि मान लीजिए कोई पर्सन की बॉडी बनानी है, तो हमारी जो है ड्राइंग में उनको बताया जाता है कि कितना पोर्शन माउथ का होता है, कितना बॉडी का होता है और कितना प्रोपोर्शनेट लेग्स का होता है। तो पर्सन तो इतना लंबा है, वो ड्राइंग में पूरा थोड़ा आ जाएगा, तो क्या होता है, प्रोपोर्शनेट सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट लेके हम क्या करते हैं, उसको अगर फेस छोटा किया, बॉडी भी छोटी होगी, लेग भी छोटी, इज इट क्लियर। तो ये हमारी रियल लाइफ में सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्ले रोल करता है। बात समझ आ गई, प्रोपोर्शनेट और इक्वल में, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। मैं कहती हूं कि मेरी हाइट जितनी है उतनी तान्या की है, इक्वल, दैट मीन्स इफ आई एम 4.7 मेरी जो है, तो आपकी भी 4.7, ठीक है। प्रोपोर्शनेट का मतलब, जब आप छोटे होते हैं ना, तो मम्मा कहते हैं बेटा खाना नहीं खाएगा ना, तो तेरी हाइट नहीं बड़ी होगी, तो हम कहते हैं जितनी डाइट छोटे होते ज्यादा दी जाए, अच्छी दी जाए, प्रोपोर्शनेट हाइट बढ़ती है। ये तो नहीं है कि, और किसी और इजी एग्जांपल देती हूं, अगर ये टोटल लेंथ इधर 4 थी, 4 बॉक्स में डिवाइड किया,
ये 1-1 का था, तो मैं इधर 2-2 मीटर का कर दूं, तो मैंने सारा प्रोपोर्शनेट किया ना, 1:2, 1:2, 1:2, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनेट, एक जैसा इंक्रीज करो, ये ज्यादा बेटर एग्जांपल। जैसे एक स्क्वायर तुमने बनाया, ये मैंने प्रोपोर्शनेट बनाना है, इसकी साइड अगर 2:2:2 है, अब मैं एक अगला बना रही हूं 4 बनाया, तो दैट मीन्स कितना रेशियो है, 1:2, मतलब एक पार्ट इसका तो डबल पार्ट इसका। तो इधर भी रेक्टेंगल की बात बताओ, ये 1:10 ले लेती हूं, ये 5, मैंने प्रोपोर्शनेट रेक्टेंगल बनाना है, रेशियो लिखनी है 4 times, तो अगली जो बनाऊंगी यहां 20 यहां 40 इक्वल नहीं है, रेशियो विल रिमेन सेम। ओके क्लियर, वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर टुमारो। ओके बेटा, टिल देन गुड बाय।